कैसे विजय केजीएफ के झूले में कैसे आए सच अ डीसेंट कैटेगरी इन इंडिया एंड बाय विजय केजीएफ इन डीप लॉन्ग ऑन नाउ 1701 मतलब पेरिगेन डॉट एक बहुत बड़ा मानसिक गिरा था डॉट गेंद कितना महत्वपूर्ण ये मतलब प्रतियोगिता के भी साबित हो सकता है दूसरी गेंद के ऊपर विकेट तो पिछली 8 गेंदों के ऊपर 17 रन बनाए एक विकेट के नुकसान के ऊपर ज्ञान एग्रो 11 ने तो स्कोर भी शुरू का हुआ 17 रन अनुभवी गेंदबाज है परेश पटेल कमेंट्री बॉक्स ओर से हाय ये बहुत लाउड अपील की गई वहां पे अपील में गुस्सा ज्यादा विश्वास कम स्कोर रुका हुआ पिछली तीनों गेंदें डॉट की गई अनुभवी गेंदबाज परेश पटेल की ओर से टीम एसवाई भी खरवण 11 की ओर से तब जो आशा ही रखी गई है आशा के अनुसार गेंदबाजी की जा रही है परेश पटेल की ओर से दहिना से ओर से विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं परेश पटेल और ये देख रहे कैच है ये देखना पड़ेगा कोई फील्ड आइए कैच है आइए कैच है देखा हाँ ये विंडी कंडीशन है कितनी गेंदे की 4 गेंदे की और 4 डॉट और 2 विकेट स्कोर 17 रन पहली ओवर में 17 रन बनाए दूसरी ओवर की 4 गेंदे डॉट 2 विकेट ग्रामीण क्रिकेट में वस्त्र के विरुद्ध मेडन ओवर भी किया गया है मतलब जो टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था चिराग भाई की ओर से इसी वेन्यू के ऊपर बोल रहे मेडन और 27 रन बनाए गए थे आखिरी ओवर में परेश पटेल की ओर से गेंद देखिए खूबसूरत गेंदबाजी तो इस प्रकार स्कोर है पहली 5 गेंदे डॉट अगर ये और डॉट करते तो इस प्रतियोगिता के पहले नंबर के गेंदबाज बन जाएंगे अगर वो मेडन करते हैं 17 रन ये 100 कैच जरूर था वहां पे यस और तब तक 1 रन बल्लेबाज के लिए अब 1 रनों के साथ स्कोर भी जाके बढ़ता हुआ 18 रन तीसरा विकेट हो जाता है इस ओवर में 1 रन इस बीच आखिरकार पूरा गया तो ओवर की समाप्ति एम्पायर महोदय की ओर से 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है ज्ञान एग्रो 11 का 17 रन 2 विकेट के नुकसान के 18 रन पिछली ओवर में केवल 1 रन खर्च किया गया अनुभवी गेंदबाज परेश की ओर से और परेश के स्थान के ऊपर अब गेंदबाजी में विजय केजीएफ को शामिल किया जा रहा है कमेंट्री बॉक्स छोड़ से एसवाईबी खरवण के लिए पावर प्ले समाप्त हो चुका है दोनों टीमें के लिए और पावर प्ले के बाद जो फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन है इस प्रकार है दर्शित और चिराग मेहता की ओर से फील्डिंग देश एक शॉर्ट लॉन्ग लेग डीप स्क्वायर लेग डीप मिड विकेट डीप लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ
शॉर्ट कवर, शॉर्ट पॉइंट और शॉर्ट थर्ड मैन, और एक डीप पॉइंट भी है। देखिए अब डीप पॉइंट शामिल किया जा रहा है थ्री सीट या रिवर्स स्ट्रोक के लिए। हाँ, उनको पॉइंट के स्थान के ऊपर भेजा जा रहा है। पॉइंट भी है गली के बीच में, मतलब अफरा तफरी की जा रही है उनकी ओर से। काफी निर्णय कवर है विजय केजीएफ की ओर से। और ये कैच है, इस बार देखना पड़ेगा फील्डर गेंद के नीचे गए। सच डीसेंट कैच। कितने रन पहली ओवर में? 17। पारी का ये तीसरा ओवर चल रहा है। स्कोर 18 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। ये क्रिकेट है जिसको कहा जाना चाहिए। के ऊपर लगने वाला ये तीसरे विकेट का नुकसान है ज्ञान एग्रो 11 को। सो नेक्स्ट बैट्समैन प्लीज तेजस। तेजस अब नए बल्लेबाज के रूप में एक ऑलराउंडर की भूमिका है। अच्छी गेंदबाजी की थी उन्होंने जो पहला मैच रहा था उनकी ओर से, और उनको अब शामिल किया जा रहा है कि रन बनाया जाए ज्ञान एग्रो 11 की ओर से। पहली गेंद के ऊपर विकेट लिया गया, हौसला बुलंद हो जाता है किसी भी गेंदबाज का, और ये श्रेय जाएगा परेश भाई की ओर। बहुत ही महत्वपूर्ण कैच लिया गया डीप लॉन्ग ऑफ के स्थान के ऊपर। देखिए मतलब जो सीनियर है ना, जूनियर सीनियर जूनियर, देखिए उनकी जो फील्डिंग रही है ना, फिटनेस देखिए आप, कैसा कैच लिया गया उनकी ओर से। पार्टनरशिप करना जरूरी हो चुका है टीम ज्ञान एग्रो 11 के लिए। नीट पार्टनरशिप, एक साझेदारी करना है टीम की ओर से। इस बार ब्लॉक हेल गेंद जरूर थी वहां पे, तेज इनस्विंग जिसको कहा जाना चाहिए विजय केजीएफ की ओर से। इस बीच स्कोर रुका हुआ, पारी का तीसरा ओवर चला है। 18 रन 3 विकेट के नुकसान के ओवर ज्ञान एग्रो 11 का। तेज इन स्विंग वहां पे गेंदबाज की ओर से। इस प्रकार स्कोर रुका हुआ 18-18 रन पारी का तीसरा ओवर चला है। विजय केजीएफ अपने कोटे के ये पहले ओवर में, मतलब तीसरे ओवर में तीसरे गेंदबाज का प्रयोग किया जा रहा है टीम एसवाईबी खरवण 11 की ओर से। इधर आउट से ये वाइड यॉर्कर जिसको कहा जाना चाहिए। देखिए आप गेंदबाजी देखिए, सटीक लेंथ रही है, टप्पा बहुत वेरिएशन, एक तरह से इन स्विंग गेंदबाजी कर रहे हैं। ये पिछली गेंद आउट स्विंग गेंदबाजी की गई विजय केजीएफ की ओर से। इस प्रकार स्कोर रुका हुआ ज्ञान एग्रो 11 का 18 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। और इस बार दामोदर ग्राउंड स्ट्रोक को खेलना पड़ने बाद ये खूबसूरत देखा फील्डिंग, देखे आप फील्डिंग बहुत ही सराहना करनी पड़ेगी फील्डर की। एक टप्पा फील्ड किया गया, एक रनों के साथ स्कोर भी आगे बढ़ता हुआ टीम ज्ञान एग्रो 11 का 19 रन। पारी का ये तीसरा ओवर चल रहा है। पहले ओवर में कितने रन आए थे? 17 रन आए थे। पारी का तीसरा ओवर चल रहा है, स्कोर है 19 रन। ये क्रिकेट ने साबित कर दिया कि मैच कहाँ के ऊपर है। काफी कुछ सीखा है यूट्यूब के ऊपर भी जाकर गेंदबाजों ने, बल्लेबाजों के, कौन सी गेंदबाजों को कैसा खेलना है, कैसी गेंदबाजी करना है, और बल्लेबाजी को बल्लेबाज को परेशानी में रखना है। 20 रन ओके 20। इस बार हल्के हाथों से स्ट्रोक को खेला जरूर था बल्लेबाज ने, और जब तक गेंद को फील किया जाए, थ्रो दिया जाए, तब तक एक रन बल्लेबाज के लिए। एक शॉट कवर की दिशा में एक सॉफ्ट स्ट्रोक खेला गया बल्लेबाज की ओर से। तो इस प्रकार स्कोर है 21 21 रन 3 ओवर की समाप्ति पर 3 विकेट के नुकसान के ऊपर ज्ञान एग्रो 11 का। मतलब पिछली 12 गेंदों के ऊपर केवल 4 रन खर्च किए गए हैं गेंदबाजों की ओर से। उसमें परेश का ओवर एक बहुत ही नया ओवर था। गेंदबाजी में चर्चा जरूर होने जा रही है कि कौन सा गेंदबाज गेंदबाजी करेगा। चिराग मेहता ने गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है एसवाईबी खरवण 11 की ओर से। स्टैंडर्ड स्पोर्ट्स लाइव से
So the main sponsors of this competition, Mother Care Hospitals, Bardoli, Dr. Nitin Bhai Patel, co-sponsors, Siam Digital Studio, Official Empires, Hitesh Bhai Patel and Priyank Patel. चिराग मेहता इस बीच अब गेंदबाजी के ऊपर कमेंट्री बॉक्स ओर से बहुत ही नई ओवर है टीम की ओर से। और ये फ्लिक स्ट्रोक खेला बल्लेबाज ने और ये देखा गेंद कहीं चली गई। वेटिंग फॉर द अंपायर सिग्नल। ये फ्लिक स्ट्रोक खेला गया साइन है डीप बैकवर्ड्स गेड के ऊपर। ये तेज गेंदबाजी की गई चिराग मेहता की ओर से। गति परिवर्तन एक तेज एकदम सीधी गेंद सटीक टप्पे के ऊपर। स्कोर इस बीच रुका हुआ ज्ञान एग्रो 11 का 25 25 रन। पारी का चौथा ओवर चल रहा है 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। खूबसूरत डॉट गया। इस बार देखना पड़ेगा वहां पे एक रन से नहीं रोक पाए बल्लेबाज को। हल्की सी मिसफील्डिंग की गई विकेट कीपर की ओर से और शॉट चेयरमैन के फील्डर की ओर से उसका एक एडवांटेज लिया गया बल्लेबाजों की ओर से। एक रनों के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ टीम ज्ञान एग्रो 11 का 26 26 रन। पारी का ही चौथा ओवर चल रहा है। गेंद ज्यादा स्पीड हो रही है। हाँ जो लाइन है उसके ऊपर अधिकतर आपने देखा होगा। मतलब 2095 और 2000 का जो दशका था ना, मतलब वो वहाँ व्हाइट एमआरआई थे गेंदे, उसके बाद गेंदे बदली जा रही है। नेवी आई मतलब एक पॉपुलर गेंद भी है गुजरात में। आप मुंबई की जो प्रतियोगिता देख रहे हैं वहाँ फुल टॉस गेंदे भी है, फुल टॉस है, सिक्स है। आउट स्विंग गेंदबाजी वहां चिराग मेहता की ओर से। इस प्रकार स्कोर 26 26 रन। पारी का ये चौथा ओवर चल रहा है। पहले आपने देखा 64 के ऊपर मैच टाई रहा और यही ठीक वो स्कोर करने की कोशिश की जा रही है ज्ञान एग्रो 11 की ओर से कि 65 रन बनाए जाए। इस बार आउट स्विंग गेंदबाजी वहां गेंदबाज की ओर से। स्कोर इस बीच रुका हुआ 26 26 रन। ज्ञान एग्रो 11 का पारी का चौथा ओवर चला। देखा पहले ओवर में 17 रन बनाए गए, उसके बाद में निर्णय कप्तानी सटीक टप्पे के साथ वेरिएशन स्पीड के साथ वेरिएशन का होना बहुत ही जरूरी है गेंदबाज के लिए। और इस बार नोबेल ने इसके ऊपर स्ट्रोक को खेला जरूर था बल्लेबाज ने। वन बाउंस फोर रन या 60 स्लोअर गेंद की गई थी। समाप्ति पर स्कोर है 30 रन 30 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। 4 ओवर का खेल अभी भी शेष है और गेंदबाजी की जिम्मेवारी विजय के लिए अपने इस बीच संभाल रखिए कमेंट्री बॉक्स ओर से। काफी निर्णायक ओवर है। पहले ओवर में बहुत कम रन दिए गए थे, उनको फिर से शामिल किया जा रहा है दर्शित की ओर से। एक कम उम्र के कप्तान को चुना गया है एसवाईबी खरवण 11 के मेंटोर की ओर से। इस बार नहीं, यहां से और भी विकेट गेंदबाजी की जा रही है विजय केजीएफ की ओर से।
और ये कैच है, ये कैच फिर से छोड़ चुके वहां पे देखा एकदम। हाँ इस बार केवल एक ही रन वहां पे कैच छोड़ा, फलस्वरूप एक रन स्ट्राइक पर दी गई। अब स्ट्राइक के ऊपर दूसरे नए बल्लेबाज इस दिशा आएंगे। अब स्कोर जा पहुंचा है ज्ञान एग्रो 11 का 31। पारी का पांचवा ओवर चल रहा है 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। तो फील इस प्रकार एक शॉट थर्नमेन शॉट गली डीप कवर शॉट एक्स्ट्रा कवर और डीप लॉन्ग ऑफ। इस बार मिड विकेट इस समय स्टोक को खेला जरूरी था बल्लेबाज ने, और जब तक गेंद को फील किया जाए थ्रो दिया जाए तब तक एक रन बल्लेबाज के लिए। एक रनों के साथ स्कोर भी आगे बढ़ता हुआ टीम ज्ञान एग्रो 11 का 32। पारी का पांचवा ओवर चल रहा है 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। स्विशेष स्ट्रोक के लिए डीप गली शामिल की जा रही है विजय केजीएफ की ओर से। और इस बार एक बार आगे गेंद कर दिए डीप लॉन्ग ऑफ के ऊपर से स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने 6 रन के लिए। स्कोर 6 रनों के साथ आगे बढ़ता हुआ 38। टॉप शॉट जिसको कहा जाना चाहिए। वेटिंग फॉर द अंपायर सिग्नल, अंपायर सिग्नल 4 रन। अब स्कोर जा पहुंचा है 42/28। बाईस रन पारी का ये पांचवा ओवर चल रहा है। वैसे जो पुरानी बॉल के जो स्पॉन्सर से मिस्टर चिराग भाई पटेल और निकुंज पटेल नागदरा। इस बार वाइट का इशारा अंपायर की ओर से और अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ टीम ज्ञान एग्रो 11 का 43। 43 रन। कितना बॉल बाकी है? कितना बॉल बाकी है? ओके। और इस बार फिर से डॉट गेंद जिसको कहा जाना चाहिए। तो इस प्रकार स्कोर रुका हुआ 43। 43 रन पारी का पांचवा ओवर चल रहा है 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। शत्रु साबा के लिए इनाम है मुकुंद भाई की ओर से हैट्रिक सिक्सर के ऊपर 501। और ये कैच है, एक आसान कैच है। देखा फील्डर गेंद के नीचे आए पोजीशन बनाई गई चिराग मेहता की ओर से सिंगल सेफ पेयर ऑफ द हैंड 43। बीच ओवर की भी समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है टीम ज्ञान एग्रो 11 का 43। 4 विकेट के नुकसान के ऊपर निर्णायक पारी खेली गई सत्तू साबा की ओर से। और गेंदबाजी में परेश को इस भी शामिल किया जा रहा है SYB खरवण 11 के लिए। आज
कर देखे देखे पहले देखे उन्होंने क्या कहा, पहले बाहर निकले फिर से और बाहर में गेंदे की जा रही है गेंदबाज की ओर से, इस चतुराई भरी गेंदबाजी अनुभव को साबित किया जा रहा है गेंदबाज की ओर से, जो आशाएं रखी गई थी अपेक्षा के अनुसार गेंदबाजी की जा रही है परेश भाई की ओर से, रन ज्यादा से ज्यादा चाहिए ज्ञान एग्रो 11 को भी। आ ये चली गई लॉन्ग ऑन के ऊपर से, छह रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 49। दूसरी गेंद दी जाए भाई। थैंक यू अगेन मनोज भाई पटेल। पारी का ये छठा ओवर चल रहा है। और इस बार डाउन द ग्राउंड स्ट्रोक को खेला गया है चिराग मेहता की दिशा में, और जब तक इनको फील किया जाए अंडर आर्म थ्रो दिया जाए तब तक एक रन और एक रनों के साथ स्कोर भी जाके बढ़ता हुआ टीम ज्ञान एग्रो 11 का 50 रन। पारी का ये छठा ओवर चल रहा है 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। सोच की जा रही है 65-70 के बीच आंख खड़ा किया जाए, निर्धारित 8 ओवर का ये दूसरा क्वार्टर फाइनल मैच है। और ये कैच है, ये आसान कैच है, फील्डर गेंद के नीचे आए पोजीशन बनाई गई चिराग मेहता की ओर से, ब्रिलियंट कैच टेकन बाय चिराग मेहता इन डीप लॉन्ग ऑफ 50 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। चिराग तो पिछली गेंद डॉट की गई, इस बीच गेंदबाज परेश पटेल की ओर से 6 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है ज्ञान एग्रो 11 का 51 रन 51। गेंदबाजी की जिम्मेवारी गेंदबाज चिराग मेहता ने भी संभाल रखी है। टीम एसवाईबी खरवण 11 की ओर से कोटे के दूसरे ओवर में और पारी के सातवें ओवर में कई बार शॉर्ट अपने गेंद जरूर थी आगे आकर स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने, ऑर्थोडॉक्स शॉर्ट लॉन्ग ऑन के स्थान के ऊपर। जब तक गेंद को फील किया जाए कि यहां थ्रो की जा रही है, देखा आपने क्या कौन से स्थान के ऊपर थ्रो किया जा रहा है वहां पे, स्कोर दो रनों के साथ आगे बढ़ता हुआ 53। आपने पिछला मैच देखा टाई में रहा था, एक एक रन बहुत ही कीमती है फील्डिंग टीम के लिए भी।
और इस बार फॉरेस्ट में फील्ड की गई, वहां पे चिराग की ओर से इस प्रकार स्कोर रुका हुआ 53-53 रन। इस ओवर की अभी भी 4 गेंद और कुल मिलाकर 10 गेंदों का खेल अभी भी शेष है। एसआईबी खरवण और ज्ञान एग्रो बीच के बीच का ये दूसरा क्वार्टर फाइनल मैच है। एक टीम सेमीफाइनल में प्रवेश कर, दूसरी दो टीमें भी सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुकी है। और इस बार स्क्वायर लेग की दिशा में स्टोक को खेला बल्लेबाज ने, और जब तक इनको फील किया जाए, खूबसूरत थ्रो दिया गया हमारे विकेट कीपर की ओर। एक रनों के साथ स्कोर बीच आगे बढ़ता हुआ टीम ज्ञान एग्रो 11 का 54। 54 रन पारी का ये सातवां ओवर चल रहा है 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। सटीक टप्पे के ऊपर गेंदबाजी की जा रही है चिराग की ओर से। ऑफसाइड के क्षेत्र में एक फेलाई फील शामिल की जा रही है। डीप लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग। और इस बार आगे आकर स्टोक को खेला बल्लेबाज ने, गेंद को ढूंढा जा रहा है, गेंद अब उसकी बाद में नजर में आई वहां पे, देखा जा रहा है। तब हम जो मतलब जो फील्डर्स उनकी ओर से गेंद को देखा जा रहा है, आखिरी क्षण तक देखा गया वहां डीप कवर के फील्डर की ओर से। तो इस प्रकार स्कोर अब जा पहुंचा है 56-56 रन। हाँ, गेंद दिख ही नहीं थी भाई वहां पे, जहां पे शॉट एक्स्ट्रा कवर के फील्डर्स फील्डिंग कर रहे थे वहां पे, वो बाईं ओर देख रहे थे, गेंद उनके दाहिनी ओर गई थी डीप स्लीपर कवर के स्थान के ऊपर, क्योंकि स्लीपर कवर पहले से ही था वहां पे। स्कोर रुका हुआ 56। ये कैच है, ये कैच है, देखा एक बारीक कट जिसको कहा जा रहा है, यहां से दिख रहा था एकदम साफ कैच है उठे वहां पे। स्कोर 56। स्कोर 56, 56 रन पारी का सातवां ओवर चल रहा है और स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज अमित। स्पिन बॉल, ये देख एक स्विंगिंग यॉर्कर जिसको कहा जाना चाहिए गेंदबाज की ओर से, चारों खाने चीत, खूबसूरत गेंदबाजी वहां चिराग पटेल की ओर से भी। ग्रीन क्रिकेट खरवण से ही खेलते हैं। सर्विस इन गुजरात पुलिस ऑल्सो। काफी महत्वपूर्ण परफॉर्मेंस किए जा रहे हैं। पहले भी बताया गया कि जो पहली मैच में 64 रन बनाए थे ना, वही स्कोर आएगा, ऐसा वैसे भी अनुमान भी किया जा रहा है यूट्यूब के ऊपर भी, कि वो ये मैच भी 64-65 के बीच भी जाएगा। जैसे रन बनाए जा रहा है 56 रन बनाए गए। दर्शित ने पहले ओवर में 17 रन खर्च किए थे। एज वेरी एक्सपेंसिव ओवर बॉल बाय इन फर्स्ट मैंडेटरी पावर प्ले ओवर्स बाय कैप्टन दर्शित पटेल इज गिवन अवे 17 रन विदाउट एनी विकेट। इस बार गति परिवर्तन किया गया है, नकल गेंद जिसको कहा जा रहा है। देर सेरे मैचेस भी देखे गए यूट्यूब के ऊपर की गेंद कौन से बल्लेबाज को बीट करना है पेस से, ये हल्की से एक आउट कटर जिसको कहा जाना चाहिए, टप्पा खाने के बाहर बाहर निकले वहां पे। बाकी काम अनुभवी विकेट कीपर की ओर से पूरा किया गया। आइए तेज सिंह जिसको गए पहला मतलब देखा आपने आउट स्विंग, इसके बाद में आप देखिए यूट्यूब के ऊपर भी जाकर देख सकते हैं आपके मोबाइल के ऊपर भी, ये जो गेंद की गई इन स्विंग गेंद, इसके पहले का जो गेंद था वो आउट स्विंग गेंद था।
तो पिछली दोनों के लिए डॉट की गई है, इमर्जिंग कप्तान चुने गए हैं सोएबी खरवण के मेंटोर की ओर से। आ ये तीनों खाने चीज जिसको कहा चारों खाने चीज, इस बार तीनों गेंदे डॉट। अब स्कोर है 56। मतलब ये जो कुछ अनुमान लगाया था ना प्रेडिक्शन कि ये मैच 60-65 के बीच जाएगा, वही ठीक है। तीन गेंदे अभी भी शेष है, खूबसूरत गेंदबाजी की जा रही है पहली तीन गेंदों के ऊपर। ये कैच छूटा, फील्डिंग जरूर की गई थी वहां पे, निश्चित तीन रन रोके जा रहे हैं शॉर्ट थर्डमैन के फील्डर की ओर से। एक रनों के साथ स्कोर भी आगे बढ़ता हुआ ज्ञान एग्रो 11 का 57 पारी का ये आठवां और अंतिम ओवर चल रहा है। अच्छा ओवर जिसको कहा जाने, इसके पहले का जो ओवर किया गया था चिराग मेहता की ओर से, वेरी इंप्रेसिव बॉलिंग परफॉर्मेंस इंडेड बाय चिराग इन ओवर नंबर 7। इस बार आउट से गेंदबाजी वहां पे, खूबसूरत गेंदे की जा रही है। देखिए आपने कितने रन दिए, पहले परेश भाई ने कितने रन दिए थे, दूसरे ओवर में एक रन दिए थे, अभी गेंदबाजों ने पांच गेंदों के ऊपर एक रन दिया। स्कोर है 57 पारी का, ये आठवां और अंतिम गेंद होना चाहिए अगर कोई। और इस बार स्वीपर की दिशा में स्ट्रोक को खेला, एक बहुत लंबा पीछा किया जा रहा है विजय केजीएफ की ओर से, और जब तक गेंद को ढूंढा जाए थ्रो किया जाए तब तक दो रन। तो इस प्रकार तीसरे रन में यार रन आउट हुए, तो इस प्रकार कितने रन बने, 59 रन बने, और मैच को जीतने का टारगेट दिया जा रहा है एसवाईबी खरवण 11 को 60 रन 48 गेंदों के, मतलब 150 का स्ट्राइक रेट चाहिए इस मैच को जीतने के लिए एसवाईबी खरवण 11 को। 60 टारगेट, 59 रन बनाए गए। सेकंड फर्स्ट सेमीफाइनल ओमकार डीजे और सत्यम डेयरी इलेवन के बीच, दोनों कप्तान कमेंट्री बॉक्स के पास आए टॉस के लिए। सत्यम डेयरी इलेवन के कप्तान, ओमकार डीजे इलेवन के कप्तान कमेंट्री बॉक्स में है। तो यहां लक्ष्य रखा जा रहा है क्वार्टर फाइनल मैच में एसवाईबी खरवण 11 को, इस मैच को जीतने के लिए 60 रन निर्धारित 8 ओवर के मैच में, मतलब 48 गेंदों के ऊपर 60 रन चाहिए। टीम को चाहिए 150 का स्ट्राइक रेट इस मैच को जीतने के लिए। 150 strike rate need the team and enter in the grand semi final in MPL Mahua Premier League. सुनो मंगा
तो अंपायर्स महोदय इस बीच आप पहुंचे हैं, प्रियांक भाई और हितेश भाई। वैसे लक्ष्य रखा जा रहा है टॉस के लिए आए टीम सत्यम डेयरी इलेवन और ओमकार डीजे के बीच पहला सेमीफाइनल मैच का टॉस होगा। अगर भार्गव भाई अगर गेंदबाजी के ऊपर आए और उनकी गेंदबाजी के ऊपर सिक्सर लगाते हैं टीम एसवाईबी खरवण इलेवन तो 501 रुपया विक्रम भाई की ओर से। ओके, संकेत मिल चुका है तो एसवाईबी खरवण इलेवन को चाहिए 60 रन से भी क्वार्टर फाइनल मैच को जीतने के लिए। की बहुत बड़ी तादाद एमपीएल को लेकर मतलब बहुत दूर से 25-30 किलोमीटर से आई है यहाँ पे एकता क्रिकेट ग्राउंड नागदरा के ऊपर। पहले एना में रखा गया मतलब मोहम्मद तालुका के भाई दूसरा वेन्यू चुना गया है उनकी ओर से। आइए देखा कॉन्फिडेंस अपील और वैसे गेंदबाज की ओर से कोई अपील नहीं की गई वहां पे बाउंड्री लाइन से मतलब जो पैर है ना बाउंड्री लाइन के अंदर वो कुपिया बाहर रखे भाई इधर सर वहां पे स्ट्रेट लॉन्ग ऑफ किसान के ऊपर पैर बहुत अंदर है भाई कई जो दर्शक बैठे हैं उनके। और ये पंच स्ट्रोक खेला गया बल्लेबाज की ओर से गेंद गई सीधी डीप कवर बाउंड्री लाइन के और कवर और पॉइंट के बीच में से 4 रन के लिए। तो खूबसूरत मैचेस चल रहे हैं दोनों टीमों के बीच। पहले 59 रन बनाए गए, सत्तू सामा ने 91 रन बनाए टीम ज्ञान नेग्रो 11 की ओर से। और इस बार सीधे बल्ले से स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने सीधे डीप लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर और जब तक गेंद को फील किया जाए 1 रन इस बीच बल्लेबाज के लिए। प्रति ओवर 7.5 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। काफी महत्वपूर्ण मैच चल रहे हैं। 5 रन बना लिए हैं, कोई भी विकेट का नुकसान नहीं। शॉर्ट मिड विकेट है स्लॉग से स्ट्रोक के उसके ठीक पीछे डीप स्क्वेयर एक बाउंड्री लाइन के ऊपर। इसे पंच स्ट्रोक खेला गया बल्लेबाज की ओर से गेंद गई सीधी डीप कवर बाउंड्री लाइन की और 4 रन के लिए। 4 रनों के साथ स्कोर बीच आगे बढ़ता हुआ 9 रन। ये मैंडेटरी पावर प्ले ओवर्स भी चल रहे हैं। आपने देखा पहले ओवर में ज्ञान एकरो 11 ने 17 रन बनाए थे। उसका ठीक प्रदर्शन किया जा रहा है एसवाईबी खरवण 11 के दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज की ओर से भी। दैन हास्य राउंड विकेट अब गेंदबाजी की जा रही है शत्रु साबा की ओर से। विकेट अंतरण में लेना है दूसरी ओर ज्ञान एग्रो 11 को। दैन हास्य राउंड विकेट शत्रु साबा और इस बार घूमी जरूर से गेंद जब तक गेंद को फील किया जाए शॉर्ट गली के फील्डर की ओर से तब तक 1 रन बल्लेबाज के लिए और 1 रनों के साथ स्कोर भी जाके बढ़ता हुआ एसवाईबी खरवण 11 का 10 रन पारी का ये प्रारंभिक ओवर चल रहा है।
शुरुआती ओवर बहुत ही महत्वपूर्ण ओवर है दोनों टीमों के लिए। और ये कैच है, आसान कैच है, यस, बहुत बड़ा विकेट वहां पे, 10 रन एक विकेट के नुकसान के ऊपर। दस रन एक विकेट के नुकसान के ऊपर। ₹501 किसी भी खिलाड़ी अगर इस हैट्रिक सिक्सर्स लगाए गए अगर इनकी गेंदबाजी के ऊपर। हाँ, ये फॉरवर्ड डिफेंसिव स्ट्रोक खेला बल्लेबाज में, रक्षात्मक रूप है दोनों बल्लेबाजों ने, क्योंकि जो बने आने वाली जो भी शेष गेंदें बची है 41 गेंदों के ऊपर 50 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। रिमेनिंग 41 बॉल टीम इज रिक्वायर्ड। और इस बार स्पेयर का स्ट्रोक खेला बल्लेबाज ने गेंद गई शॉर्ट थर्डमैन के स्थान के ऊपर, इस प्रकार स्कोर रुका हुआ 10 रन एक विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का दूसरा ओवर चल रहा है, आने वाली 40 गेंदों के ऊपर 50 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। एसवाईबी खरवण 11 को स्थिति के अनुसार पारी और गेंदबाजी श्री मिड ऑफिस में शामिल किया जा रहा है। पंच बेहतरीन, बेहतरीन लाजवाब पंच खेला गया कवर के ऊपर से 4 रन के लिए। चार रनों के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ टीम एसवाईबी खरवण 11 का 14 रन। पहुंचा है 14 रन एसवाईबी खरवण 11 का। पारी का दूसरा ओवर चल रहा है, एक विकेट के नुकसान के ऊपर आउट होने वाले बल्लेबाज चिराग मेहता। तो फील्ड इस प्रकार अब शामिल की जा रही है ऑफ साइड के क्षेत्र में, शॉर्ट थर्डमैन, शॉर्ट गली, शॉर्ट कवर पॉइंट, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर और शॉर्ट मिड ऑफ, लॉन्ग ऑन, मिड विकेट और डीप स्क्वायर लेग और शॉर्ट। बेहतरीन पंच, देखिए बहुत ही लाजवाब पंच स्ट्रोक खेला गया बल्लेबाज की ओर से 4 रन के लिए। चार रनों के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ टीम एसवाईबी खरवण 11 का 18 रन। पारी का दूसरा ओवर चल रहा है, एक विकेट के नुकसान के ऊपर एडवांटेज लिया जा रहा है पावर प्ले ओवर्स का बल्लेबाजों की ओर से। निर्णय 2 चौके लगा चुके इस ओवर में बल्लेबाज, ऑफ साइड बहुत निर्णय है। और एकदम नीचे एक सटीक तेज गेंदबाजी की गई वहां पे, तो इस प्रकार स्कोर रुका हुआ 18-18 रन। पारी का ये दूसरा ओवर चल रहा है, ठीक शुरुआत की जा रही है कि दौर की समाप्ति पर वैसे भी स्कोर था टीम ज्ञान एग्रो 11 का भी 18 रन, वही ठीक प्रदर्शन किया जा रहा है एसवाईबी खरवण 11 की ओर से भी। और इस बार आ गया कश, ये खूबसूरत स्ट्रोक को खेला, देखिए कवर और मतलब एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑफ के बीच में स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने 4 रन के लिए। तो इस प्रकार स्कोर जा पहुंचा है 22 रन 2 ओवर की समाप्ति पर एक विकेट के नुकसान के ऊपर एसवाईबी खरवण 11 का।
गेंदबाजी में इस विषय परिवर्तन किया जा रहा है। कमेंट्री बॉक्स ओर से ज्ञान एग्रो 11 की ओर से पहले दो ओवर में 22 रन बनाए, 60 रनों के जवाब में पहले 59 के ऊपर रोका गया ज्ञान एग्रो 11 को एसवाईबी खरवण की ओर से। 38 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। आने वाली 36 गेंदों के ओवर 38 रन चाहिए इस क्वार्टर फाइनल मैच को जीतने के लिए। और स्ट्राइक के ओवर विजय केजीएफ डीप लॉन्ग ऑन डीप वाइट लॉन्ग ऑन डीप स्क्वेयर लेग डीप बैकवर्ड स्क्वेयर लेग। ऑन फील्डर नहीं है और ये पंच स्ट्रोक खेला गया बल्लेबाज की ओर से। और जब तक गेंद को फील किया जाए थ्रो किया जाए तब तक दो रन बल्लेबाज के लिए। और दो रनों के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ एसवाईबी खरवण 11 का 24 रन। पारी का ही तीसरा ओवर चल रहा है। इसके बाद में बहुत ही निर्णायक मैच है। टीम सत्यम डेयरी 11 और ओमकार डीजे 11 के बीच बहुत ही लाजवाब पंच सौ खेला बल्लेबाज ने चार रन के लिए। चार रनों के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ 28-28 रन। अजय और विजय केजीएफ की निर्णायक जोड़ी बल्लेबाजी के ऊपर इस बार सिक्स स्ट्रोक खेलने की कोशिश बल्लेबाज की ओर से। स्कोर इस बीच रुका हुआ 28-28 रन पारी का ये तीसरा ओवर चल रहा है। एक विकेट के नुकसान के ऊपर एसवाईबी खरवण 11 का 60 रनों के जवाब में। और इस बार दावों तक राउंड स्ट्रोक को खेला गया बल्लेबाज की ओर से मिस फील्डिंग। और जब तक गेंद को फील किया जाए दूसरा नहीं लिया जा रहा है वहां पे। तैयार नहीं थे वहां पे अजय दूसरा लेने के लिए। इस प्रकार स्कोर जा पहुंचा है एसवाईबी खरवण 11 का 29 रन। पारी का तीसरा ओवर चल रहा है एक विकेट के नुकसान के ऊपर 29 स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज अजय। और इस बार गेंद अंदरूनी भाग का लग कर गई विकेट कीपर की दिशा में। स्कोर भी रुका हुआ 29 29 रन पारी का ये तीसरा ओवर चल रहा है। निर्णायक शुरुआत की जा रही है एसवाईबी खरवण की ओर से। और इस बार वाइट का इशारा अंपायर महोदय की ओर से। अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ एसवाईबी खरवण 11 का 30 रन पारी का ये तीसरा ओवर चल रहा है। 30 रन चाहिए सेमीफाइनल प्रवेश करने के लिए एसवाईबी खरवण 11 को। पूरी मेहनत इस बीच अब की जा रही है कि और 30 रन बनाना है इस मैच को जीतने के लिए। खूबसूरत फील्डिंग वहां पे खूबसूरत फील्डिंग वहां पे। तो इस प्रकार स्कोर इस बीच रुका हुआ 3 ओवर की समाप्ति पर 30 रन। आने वाली 30 गेंदों के ऊपर 30 रन चाहिए मतलब बॉल टू बॉल रन चाहिए अभी इस मैच एक क्वार्टर फाइनल मैच को जीतने के लिए और सेमीफाइनल प्रवेश करने के लिए। और गेंदबाजी की जिम्मेवारी इस बीच शत्रु शाबा ने संभाल रखी है कमेंट्री बॉक्स ओर से। पहले ओवर में 10 रन के खर्च किए गए थे शत्रु साबा की ओर से। इसकी मैंने भी 10 रन विदाउट एनी विकेट फिर से शामिल किया जा रहा है गेंदबाजी में ज्ञान एग्रो 11 की ओर से। फील इस प्रकार अब शामिल की जा रही है उनकी ओर से ऑन साइड के क्षेत्र में जो फील हो इस प्रकार एक डीप स्क्वेयर लेग डीप मिड विकेट और डीप लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर और डीप गली बाउंड्री लाइन के ऊपर स्विच या रिवर्सिव स्ट्रोक के लिए। ये पंच होगा बेहतरीन पंच इसको कहा जाना चाहिए एब्सोल्यूट ब्यूटीफुल पंच ओवर द टिप कवर फील्डर्स
लाजवाब स्ट्रोक जिसको कहा जाना, मतलब ये पैसा वसूल मैच जिसको कहा जाना, यूट्यूब के ऊपर उनके जो मतलब सदस्य वो भी मैच को देख रहे हैं, कैसे स्ट्रोक, एक क्वालिटी स्ट्रोक जिसको कहा जाना चाहिए बल्लेबाज की ओर से, ऐसे मतलब मैरिट में स्ट्रोक को खेलना, जहां गेंद है वहां अच्छे बल्लेबाज की निशानी को साबित किया जा रहा है विजय केजीएफ की ओर से भी। और इस बार ये रिवर्सिव स्ट्रोक खेलने की कोशिश जरूर की गई थी, एक आसान कैच। तो इस प्रकार 34 रन के निजी के भटकने वाले दूसरे विकेट का नुकसान है विजय केजीएफ के रूप में। रिवर्सिव स्ट्रोक खेलने की कोशिश, गति परिवर्तन किया गया था सत्तू साबा की ओर से, स्कोर है इस बीच एसआईबी खरमणी इलेवन का 34 रन 34 दो विकेट के नुकसान के ऊपर। दो विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का चौथा ओवर, सत्तु साबा अपने कोटे के दूसरे ओवर में दैनिहा से राउंड विकेट गेंदबाजी की जा रही है सत्तु साबा की ओर से, पैर से गाड़ लिया बल्लेबाज ने और सामना करने के लिए तैयार अब अगली गेंद का। ये कैच है, ये इस बार देखना पड़ेगा, एकदम आसान कैच है, आज झोली में कैच है। तो कितने रन हुए, 34 रन तीन विकेट के नुकसान के ऊपर। मतलब कोशिश ये भी की जा रही है एसआईबी खरवाणी इलेवन की ओर से कि चौके छक्के के साथ मैच जीता जाए, ये उनकी ओर से कोशिश रही और ये बल्लेबाज आउट भी रहे। और ओमकार डीजे इलेवन के बीच नवीन भाई कप्तान है ओमकार डीजे इलेवन की ओर से। टॉस जीता है ओमकार डीजे इलेवन ने 5 मिनट के बाद। ओके, हैट्रिक बॉल भी है आपके गेंदबाज के सत्तू साबा की ओर से, बॉलर इज नाउ हैट्रिक बॉल नाउ two consecutive ball take wicket and now in hat trick now is very golden ball aaj is bar hal gaya to the stroke ko khela ballebaaz ne aur jab tak gend ko field kiya jaye throw kiya jaye tab tak ek run ballebaaz ke liye aur ek runon ke sath score bhi aage badhta hua syb kharwani 11 ka 35 35 run सिंगल रन लेने की पूरी कोशिश की जा रही है बल्लेबाजों की ओर से, अच्छी ये वैसे कप्तान भी है, कम उन्हें बहुत बड़ी जिम्मेवारी सौंपी गई एसवाईबी खरवणी इलेवन के मेंटोर की ओर से दर्शित पटेल के ऊपर भी। और इस बार सिर्फ स्ट्रोक खेलने की कोशिश बल्लेबाज की ओर से, खूबसूरत गेंद की जा रही है, विकेट टू विकेट गेंदबाजी की जा रही है सत्तू साबा की ओर से, पहले ओवर में 10 रन खर्च के इस ओवर में बहुत निर्णायक लेन के साथ गेंदबाजी की जा रही है सत्तू साबा की ओर से, स्कोर रुका हुआ एसआईबी खरवणी इलेवन का 35 रन 35 पारी का। ये चौथा ओवर चल रहा है 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। इस बार सिंगल डबल के ऊपर फोकस किया जा रहा है बल्लेबाज की ओर, एक अच्छे बल्लेबाज की निशानी, जब आप चौके के साथ अपने और विकेट अगर जाते तो ये अच्छा ऑप्शन है बल्लेबाज की ओर से चुना गया। ओवर की भी समाप्ति एम्पायर महोदय की ओर से, 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 36 रन।
तो चार ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 36 रन, चार तीन विकेट के नुकसान के ऊपर। अगर चार ओवर में समीक्षा की जाए दोनों टीमों के बीच, तो चार ओवर में स्कोर था ज्ञान एग्रो 11 का 41। यहां पांच रन आगे भी चल रही है ज्ञान एग्रो 11। अजय के ऊपर पूरा दर, अजय और नॉन स्ट्राइक गेंद के ऊपर दर्शित पटेल कप्तान। इस बार फुल टॉस बनाकर स्टोक को खेला बल्लेबाज ने, सीधे डीज के अलग स्थान के ऊपर पहले गेंद को देखा, उसके पहले गेंद पर चक्कर हो गई चार रन के लिए। अब स्कोर जा पहुंचा है 40 रन। अब 20 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। बहुत लेट देखा गया वहां जो फील्डर थे ना उनकी ओर से, उसके पहले गेंद बाउंड्री लाइन की ओर चली गई थी चार रन के लिए। चार रनों के साथ स्कोर भी आगे बढ़ता हुआ एसवाईबी खनवणी 11 का 40 रन। पारी का पांचवा ओवर चल रहा है। आउट स्विंग इन स्विंग गेंदबाजी वहां गेंदबाज की ओर से, इस प्रकार स्कोर रुका हुआ 40 रन। पारी का ये पांचवा ओवर चल रहा है। 20 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए टीम एसवाईबी खरवणी 11 को। और इस बार आ गया करीब फॉरवर्ड सिस्टम खेला बल्लेबाज ने, फॉरवर्ड थ्री में खुद फील्ड की गई सीधे मिड ऑफ के स्थान के ऊपर जाकर। ऐसे भी अच्छा बैकलिफ है बल्लेबाज का, आपने देखा होगा गेंद के बिल्कुल बैक अच्छा हाई बैकलिफ के साथ स्ट्रोक को खेला गया बल्लेबाज की ओर से। और इस बार कवर और एक्स्ट्रा कवर के बीच में स्ट्रोक को खेला, ये दो रन जरूर लेना चाहेंगे। और देखा क्या है कितने रन लिए जा रहे हैं, हाउ मेनी रन इट टेक, मे बी थ्री, यस इट इज। तो मतलब ये जो सुपर ओवर में तीन रन लिए गए थे ना पहली गेंद के ऊपर, ये रन लिए जा रहे हैं क्योंकि आपने सुपर ओवर भी देखा यहाँ पे। तीन रनों के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ। ये इंजर्ड हो चुके हैं वहां पे फील्डर्स, शत्रु साबा इंजर्ड, इसे उन्होंने दो ओवर की गेंदबाजी कर ली। दूसरे अगर कोई फील्डर से वो आ सकते हैं फील्ड के लिए। लोखंडी पुरुष प्लास्टिक बॉल, सत्रह रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए एसवाईबी खरवणी 11 को। सात विकेट अभी भी सुरक्षित है, पहले अच्छी शुरुआत दी गई चिराग मेहता की ओर से भी। अजय इज नॉट आउट 25। और इस बार आ गया कर एक ब्लॉक गेंद, एक इन स्विंग यॉर्कर जिसको कहा जाना चाहिए गेंदबाज की ओर से। स्कोर रुका हुआ इस बीच 43। 43 रन पारी का पांचवा ओवर चल रहा है ज्ञान एग्रो 11 की ओर से। 17 रन चाहिए इस क्वार्टर फाइनल मैच को जीतने के लिए। ये डिवाइसिव स्ट्रोक खेलने की कोशिश बल्लेबाज की ओर से, गेंद गई शॉर्ट फाइन लेग के स्थान के ऊपर, रनों के किसी भी अटकलों को दूर किया गया। ओवर की भी समाप्ति अंपायर प्रियांक भाई की ओर से। पांच ओवर की समाप्ति पर स्कोर है एसवाईबी खरवणी 11 का 43। आने वाली 18 गेंदों के ऊपर 17 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए।
17 गेंदों के ऊपर अब 17 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। 17 बॉल 17 रन। ये निश्चित वाइट का इशारा अंपायर की ओर से। अब 16 रन चाहिए, स्कोर जा पहुंचा है 44 44 रन। कोरी भी जा पोता है सोई भी खरवणी इलेवन का 45 45 रन 15 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। दर्शित इस बीच जब स्ट्राइक के ऊपर और इस बार हर के आसोस स्टोक को खेला जरूर था बल्लेबाज ने सीपर पॉइंट के सन के ऊपर। जब तक गेंद को फील किया जाए स्कोर जा पहुंचा है 46 46 रन 14 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। इस बार गेंद घूमी जरूरी थी वहां पे डीप गली के स्थान के ऊपर और जब तक गेंद को फील किया जाए फील्डर की ओर से थ्रो किया जाए। ओवर की भी समाप्ति 6 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 49 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। आने वाली 12 गेंदों के ऊपर 11 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए एसवाईबी खनवण 11 को। आने वाली 12 गेंदों के ऊपर 11 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए एसवाईबी खरवण 11 को। और ये गेंद चली गई डीप फाइन लेग के ऊपर से 6 रन के लिए। स्कोर अब जा पहुंचा है 55।
स्कोर ही विजय पहुंचाए 55 55 रन 5 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। इन्हें एक पारी खेली जा रही है बल्लेबाज अजय गट्टू की ओर से। आउटसाइड इन स्ट्रोक खेलने की कोशिश गेंद गई विकेट कीपर की ओर। आने वाली 10 गेंदें और 10 गेंदों के ऊपर चाहिए 5 रन इस मैच को, इस क्वार्टर फाइनल मैच को जीतने के लिए एसवाईवी खरवण को। इस बार हल्के हाथों से स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने और जब तक इनको फील किया जाए थ्रो दिया जाए तब तक दो रन। अच्छी आपसी समझ बुझी, एक सॉफ्ट एंड स्ट्रोक खेला गया बल्लेबाज की ओर से। अब 3 रन चाहिए इस मैच, इस क्वार्टर फाइनल मैच को जीतने के लिए। मैच फिनिशर की भूमिका दी जा रही है बल्लेबाज अजय गट्टू की ओर से। 3 रन दूर सेमीफाइनल में प्रवेश करने के लिए। और इस बार डीप स्पेले की दिशा में स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने और जब तक और गेंद अब चली गई वहां पे 4 रन के लिए और 4 रनों के साथ इस प्रकार इस मैच को जीत लिया टीम एसवाईवी खरवण एलिमिनेट ने। सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है एंटर एसवाईवी खरवण एंटर इन सेमीफाइनल।
के बीच द फर्स्ट सेमीफाइनल बिटवीन ओमकार डीजे वर्सेस सत्यम डेयरी 11 तो मैं इनको ऐसे भी स्पॉन्सर्स किया जा रहा है मंदिर के हॉस्पिटल बारडोली डॉक्टर नितिन भाई पटेल की ओर से जो सहयोगी स्पॉन्सर्स श्याम डिजिटल स्टूडियो डीजे फैसिलिटीज से डीजे सुनील कोपला 10-10 लाइव प्रोपराइटर सपनेश पटेल एंड जाबिर शेख कैमरामैन मिस्टर राकेश गायकवाड मिस्टर तेजस कोइर मिस्टर शाहिद कोइर एंड अक्षय ऑफिशियल अंपायर्स मिस्टर प्रियांक पटेल एंड हितेश पटेल ऑफलाइन ऑनलाइन स्कोरर्स ऑन क्रिक हीरो फेनिल पटेल ऑर्गेनाइजर्स ऑफ एमपीएल 2022 दिगेश पटेल मिस्टर पाथ पटेल एंड मिस्टर सरफराज पटेल वेन्यू एकता क्रिकेट ग्राउंड नागदरा डेट 7 जून 2022 टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया गया है ओमकार डीजे 11 की ओर से दोनों पारंपरिक बल्लेबाज मैदान के ऊपर आ पहुंचे टीम सत्यम डेयरी 11 की ओर से ये पहला सेमीफाइनल मैच है मोहा प्रीमियर लीग का इसके बाद में एक आखिरी जो मतलब मॉनसून के पहले का एक जो टूर्नामेंट है उमरा में खेला जाएगा 9, 10 और 11 को फ्राइडे सैटरडे संडे गेंद दी जाए वहां पे ओके तो पहले दो और पावपड़ी उवस रहेंगे दोनों टीमों के लिए टीम सत्यम डेयरी 11 और टीम ओमकार डीजे 11 का बहुत ही महत्वपूर्ण ये मैच चल रहा है एक शॉट फाइनली शॉट स्केली डीप मिड विकेट और डीप लॉन्ग ऑन ऑफ साइड के क्षेत्र में एक शॉट सेडमेंट शॉट गरी शॉट कवर पॉइंट शॉट एक्स्ट्रा कवर और शॉट मिड ऑफ और संकेत मिल चुका है एम्पायर्स की ओर से सर लेट्स प्ले दरमियान गेंदबाजी के ऊपर कमेंट्री बॉक्स ओर से और कल्पेश बाबू स्ट्राइक के ऊपर वैसे घरेलू क्रिकेट उमरा से खेलते हैं नो बॉल सिग्नल बाय एम्पायर्स आल्सो इट मींस फ्री यस ये पहली फ्री हिट बॉल है मतलब पिच के बाहर गेंद थी वहां पे तो देखा जा रहा है वहां पे तो वहां जाकर किया जा रहा है कि वो है या वाइड है या फिर नो बॉल है जांच की जा रही है वहां पे कुछ एक क्षणों में पता चल जाएगा कि वाइड है या नो बॉल है समबडी डिस्कशन इज गोइंग ऑन बिटवीन बोथ ऑफिशियल अंपायर्स अंपायर्स को संदेह वहां पर पूछा जा रहा है रिफर टू द थर्ड अंपायर्स बाय बोथ ऑफिशियल अंपायर्स नो बॉल ओके बाहर गेंद की दी थी वहां पे नो बॉल इज मीन्स ऑफ फ्री हिट बॉल यस नो बॉल सिग्नल बाय अंपायर्स एंड थर्ड अंपायर्स आल्सो सिग्नल नो बॉल फ्री हिट बॉल
धर्मी इस बीच गेंदबाजी के ऊपर कमेंट्री बॉक्स ओर से कैच जरूर लिया गया था, वहां पे कैच छोड़ा गया वहां पे, जब तक इनको फील किया जाए शॉट फाइनल के फील्डर की ओर से। स्कोरी भी रुका हुआ एक रन। बाएं हाथ के और दाहिने हाथ के बल्लेबाज को शामिल किया जा रहा है पारी के प्रारंभिक ओवर में। पहले और दूसरे क्रम के ऊपर सत्यम डेरी इलेवन की ओर से, और इस बार इनसाइड आउट शो खेला बल्लेबाज ने और गेंद जा रही है एक दो तीसरा डब्बे बाउंड्री लाइन की ओर चार रन के लिए। खूबसूरत इनसाइड आउट शो खेला बल्लेबाज ने, इस प्रकार स्कोर अब जा पहुंचा है पांच रन। पारी का ये प्रारंभिक ओवर चल रहा है धर्मीन की ओर से। बावपले का एडवांटेज लिया जा रहा है सत्यम डेरी इलेवन के बल्लेबाज कल्पेश की ओर से, ये इस बार गेंद चली गई बहुत दूर चली गई डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से छह रन के लिए। ह्यूज सिक्स ओवर द डीप स्क्वायर लेग रीजन सिक्स रन, छह रनों के साथ स्कोर भी जाके बढ़ता हुआ टीम सत्यम डेरी इलेवन का ग्यारह रन। Yes, umpire signal, no ball. Away side, no ball. So, away side, no ball. Okay, away side, no ball. इस प्रकार स्कोर जा पहुंचा है 13 रन 13। पारी का ये प्रारंभिक ओवर चल रहा है 13। तेरा रन पारी का ये प्रारंभिक ओवर चल रहा है। कई घटना मंडप एक भी दूसरा नो बॉल जिसको कहा जाना चाहिए। वेसाई के ऊपर गेंद जरूर थी फ्री हिट फिर से वहां पे। स्कोर इस बीच रुका हुआ 13 रन पारी का ये प्रारंभिक ओवर चल रहा है। धर्मीन की ओर से बाएं हाथ से ओवर थी विकेट गेंदबाजी की जा रही है दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए फ्री हिट बॉल। ये फिर से देखा आपने फिर से वे सही बॉल जिसको कहा जा रहा है। वेटिंग फॉर द अंपायर सिग्नल आल्सो नो बॉल। ये मतलब दो गेंदे वे सही के ऊपर कर चुके हैं गेंदबाज। कितनी गेंदे की है हाँ दो भी वेसाई गेंदबाज है। बहुत बड़ा नुकसान जिसको कहा जाना चाहिए। पिछली दोनों गेंदे वेसाई के ऊपर थी। आप स्कोर जा पहुंचा है 14 रन। तीन बॉल है तो स्कोर इस बीच रुका हुआ 14 रन। फ्री हिट बॉल है हाँ कितना हुआ 15 हुआ 14 रन। तीन गेंद से ऐसे थ्री बॉल अभी भी फेंकना से इस ओवर में 14 रन खर्च कर चुकी है। बॉलिंग कर सकते
दूसरे गेंदबाज कब चुना जा रहा है वहां पे कमेंट्री बॉक्स छोड़ से। संदीप देव शाहिद शेख ने इस बीच अब गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है। फ्री हिट बॉल है, स्कोर रुका हुआ 14 रन टीम सत्यम डेली 11 का। फ्री हिट बॉल और इस बार शॉर्ट आर्म पोल स्ट्रोक खेला, बल्लेबाज ने गेंद जा रही है सीधी डीप बैकवर्ड स्क्वायर एक बाउंड्री लाइन की और 4 रन के लिए। 4 रनों के साथ स्कोर भी जागे बढ़ता हुआ टीम सत्यम डेली 11 का 18 रन। शॉर्ट गेंद जरूर थी वहां पे, एडवांटेज जरूर लिया जा रहा है टीम सत्यम डेली 11 की ओर से। रन की निर्णायक साझेदारी पारी का प्रारंभिक ओवर चल रहा है। शाहिद इस बीच अब गेंदबाजी के ऊपर, बाया से राउंड विकेट गेंदबाजी की जा रही है उनकी ओर से। इस बार बेहतर गेंद जरूर की गई थी, अब गेंद जा रही है सीधी डीप से थर्ड मैन बाउंड्री लाइन की और 4 रन के लिए। 4 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 22 रन पारी का ये प्रारंभिक ओवर चल रहा है। खूबसूरत बल्लेबाजी की जा रही है दोनों बल्लेबाजों की ओर से, स्कोर जा पहुंचा है टीम सत्यम डेली 11 का 22 रन पारी का ये प्रारंभिक ओवर चल रहा है। एक गेंद अभी भी शेष, और इस बार सेव आउट स्ट्रोक खेला बल्लेबाज ने सीधे डीप लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 4 रन के लिए 26-26 रन। पर स्कोर है 26 रन। वैसे बेस पाव पड़ी जो ओवर था काव्य इलेवन डुंगरी की भी ओवर से था, जो उसने 27 रन बनाए थे पहले ओवर में, वो हाईएस्ट रन भी है पहले ओवर में। और सत्यम डेली 11 ने रन बनाए 26 रन। सेमीफाइनल मैच चल रहा है, जीतने वाली टीम सीधी फाइनल में प्रवेश कर लेगी। इसके बाद का जो मैच है एसवाईबी खरवण और किंग्स इलेवन करचेरिया के बीच खेला जाएगा। गेंदबाजी में एक और परिवर्तन किया जा रहा है, कल्पेश इस बीच अब स्ट्राइक के ऊपर, बाएं हाथ के बल्लेबाज है टीम सत्यम डेली 11 की ओर से। और इस बार भी 10वें स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने, और जब तक गेंद को फील किया जाए, ढूंढा जाए, थ्रो किया जाए, तब तक एक रन बल्लेबाज के लिए। एक रनों के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ टीम सत्यम डेली 11 का 27 रन पारी का दूसरा ओवर चल रहा है, कोई भी विकेट का नुकसान नहीं। एक तेज इन स्विंग जिसको कहा जाना चाहिए गेंदबाज की ओर से, बल्लेबाज बैकफुट के ऊपर गए थे। खूबसूरत गेंदबाजी, ऐसी गेंदबाजी चाहिए अब ओमकार डीजे 11 की ओर से। स्कोर इस बीच रुका हुआ सत्यम डेली 11 का 27 रन। ये कैच है, ये कैच है, बहुत ही आसान कैच। जब नए बल्लेबाज क्रीज के ऊपर भी आएंगे, न्यू बेसमैन ऑन क्रीज नाउ 27 रन।
स्पीच बल्लेबाज के आउट होने के बाद उनके स्थान के ऊपर बल्लेबाज अंकुर डॉक्टर अंकुर भाई। सत्ताईस रन पारी का ये दूसरा ओवर चल रहा है। पहली ओवर में 26 रन खर्च किए गए, कम से कम रन के ऊपर रोकना है ओमकार डीजे 11 को भी। और इस बार शॉर्ट एंड पुट स्ट्रोक खेला बल्लेबाज ने, गेंद जा रही है सीधी डीप बैकवर्ड स्क्वेयर एक बाउंड्री लाइन की और 4 रन के लिए। 4 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 31। 31 रन पारी का ये दूसरा ओवर चल रहा है एक विकेट के नुकसान के ऊपर टीम सत्यम डेयरी 11 का। दो हैट्रिक सिक्सेस अगर लगाते हैं तो 501। सिक्सर वैसे हैट्रिक लगी नहीं इस टूर्नामेंट, आपने देखा होगा जो मतलब रात्रि का जो मैच खेले गए उसमें कोई भी बल्लेबाज ने हैट्रिक सिक्सेस नहीं ले गए। ये बहुत ही कठिन है किसी भी बल्लेबाज के लिए हैट्रिक सिक्सेस लगाना, चौके छक्के बहुत दूर की बात है। पिछली गेंद में से जो मतलब चौका लगाया था काफी शॉर्ट गेंद की थी, अब गति परिवर्तन किया जा रहा है। स्कोर उका हुआ 31। 31 रन पारी का दूसरा ओवर चल रहा है एक विकेट के नुकसान के ओवर टीम सत्यम डेयरी 11 का। और इस बार बेहतर गेंद जरूर थी वहां पे, और जब तक गेंद को फील किया जाए थ्रो दिया जाए तब तक एक रन बल्लेबाज के लिए और एक रनों के साथ स्कोर भी जाके बढ़ता हुआ। दो ओवर की समाप्ति पर सत्यम डेयरी 11 का स्कोर है 32। 32 रन एक विकेट के नुकसान के ऊपर पावर प्ले समाप्त। तेज हवा जिसको कहा आप देखे एकदम विंडी कंडीशन अब आ पहुंची है। रिजवान पठान इस बीच गेंदबाजी के ऊपर दो ओवर में 32 रन बनाए टीम सत्यम डेयरी 11 ने। वेरी गुड स्टार्ट इज गिवन बाय द टीम सत्यम डेयरी 11 इन मैंडेटरी पावर प्ले ओवर्स। इस बार एक ब्लॉक गेंद जरूर थी एकदम सीधी तेज इन स्विंग वहां पे डॉट गेंद। इस प्रकार स्कोर अभी भी रुका हुआ टीम सत्यम डेयरी 11 का। 32 रन पारी का ये तीसरा ओवर चल रहा है रिजवान अपने कोटे के पहले ओवर में ओमकार डीजे 11 की ओर से। तीसरा षट का चालू होता है धाव संख्या है 33 धावा एक गड़ी बाद अचानक 5 षट का टाकेट बाकी है। रिजवान से जो था बॉलिंग मार्ग पर पंच मध्य आए हितेश भाई और मेन पंच मध्य आए प्रियांक पटेल। दम संख्या पूरे सेट में दम संख्या जा रही है 34 दावा तीसरा सेट का खेल चालू है एक घड़ी बाद। एसटी रक्षक मते नवीन आए लेग बाय सिग्नल बाय एम्पायर्स और
अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 35 35 रन पारी गई। तीसरा ओवर चल रहा है, एक विकेट के नुकसान के ओवर टीम सत्यम डेयरी इलेवन का। के और इस बीच बल्लेबाजी के ऊपर पेस से बीट किया गया, देखा खूबसूरत गेंद वहां पे, ब्यूटीफुल बॉल, ग्रीन बॉल, आउटस्विंग गेंदबाजी इसको कहा जाना चाहिए। 35 35 रन दो विकेट के नुकसान के ऊपर। साजिद रावत और डॉक्टर अंकुर, ये दोनों महत्वपूर्ण बल्लेबाज है। पहली मैच में मैन ऑफ द मैच भी रह चुके हैं, दूसरी मैच में महत्वपूर्ण गेंदबाजी की गई थी साजिद रावत की ओर से। इस बार हर ग्यासों से स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने सीरी मिरोफ के स्थान के ऊपर। स्कोर इस बीच रुका हुआ 35 रन पारी का, तीसरा ओवर चल रहा है, दो विकेट के नुकसान के ऊपर। ओवर की समाप्ति अंपायर महोदय की ओर से, तीन ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 35 रन दो विकेट के नुकसान के ऊपर सत्यम डेयरी इलेवन का। पर स्कोर है 35 रन दो विकेट के नुकसान के ऊपर टीम सत्यम डेयरी इलेवन का। 18 गेंदों के ऊपर 35 रन बनाए। दैनी हाथ से वोट दी विकेट, इस बीच गेंदबाजी की जा रही है, गेंदबाज की ओर से स्ट्राइक के ऊपर है डॉक्टर अंकुर। इस बार शो को खेला बल्लेबाज ने सीधे डीप कवर बाउंड्री लाइन की ओर, और जब तक गेंद को फील किया जाए, फील्डर की ओर से रोका जाए, थ्रो किया जाए, तब तक दो रन बल्लेबाज के लिए। कैप्चर किया जा रहा है वहां कैमरामैन की ओर से, इस बीच तीन रन। ये देखे आपसी तालमेल दोनों बल्लेबाजों के बीच, तीन रनों के साथ स्कोर भी जाके बढ़ता हुआ टीम सत्यम डेयरी इलेवन का 38। पारी का ही चौथा ओवर चल रहा है। डॉट गेंद वहां पे गेंदबाज की ओर से, इस प्रकार स्कोर रुका हुआ टीम सत्यम डेयरी इलेवन का 38। 38 रन पारी का ये चौथा ओवर चल रहा है।
સાજીદરાવ સ્ટ્રાઇક કેવર ઓન નોન સ્ટ્રાઇક ઇન કેવર ડોક્ટર અંકુરભાઈ इस बार फिर से गेंद कहां की विकेट कीपर की ओर से कलेक्ट जरूर किया जा रहा है वहां पे डीआरएस है ही नहीं वहां पे अंपायर्स के जो भी निर्णय वो आखिरी निर्णय भी है स्कोर इस बीच रुका हुआ 38 पिछली दोनों गेंदें डॉट की गई है गेंदबाज की ओर से लास्ट टू बॉल डॉट स्कोर रुका हुआ 38 पारी का ही चौथा ओवर चल रहा है बहुत शॉर्ट गेंद थी गेंद गई वाइट का इशारा अंपायर्स की ओर से अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 39 39 पारी का ये चौथा ओवर चल रहा है कमेंट्री बॉक्स ओर से आइए बेहतर लेन थी आगे कष्टों को खेला बल्लेबाज ने और जब तक गेंद को फील किया जाए थ्रो किया जाए तब तक एक रन बल्लेबाज के लिए अच्छा तालमेल आपसी तालमेल अच्छा रहा है दोनों बल्लेबाजों के बीच इस प्रकार एक रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ टीम सत्यम डेली इलेवन का 40 रन पारी का ये चौथा ओवर चल रहा है दो विकेट के नुकसान के ऊपर ये घूम कर स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने और जब तक गेंद को फील किया जाए थ्रो दिया जाए तब तक एक रन बल्लेबाज के लिए एक रनों के साथ स्कोर भी आगे बढ़ता हुआ टीम सत्यम डेली इलेवन का 40 बनी पारी का ही चौथा ओवर चल रहा है अच्छा कमबैक किया जा रहा है टीम ओमकार डीजे इलेवन की ओर से ये कैच आउट खूबसूरत कैच लिया गया वहां पे विकेट कीपर की ओर से स्कोर 41 रन 3 विकेट के नुकसान के ओवर 41-903 साजिद इज आउट ब्रिलियंट कैच इज टेकन बाय विकेट कीपर नवीन इलेवन का 41 41 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर और गेंदबाजी की जिम्मेवारी इस बीच संदीप देवा ने इस बीच संभाल रखी है कमेंट्री बॉक्स ओर से ₹500 का इनाम अगर पहली गेंद के ऊपर विकेट लेते हैं संदीप देवा अशोक भाई की ओर से ये पहले एक ही बार कहा जाएगा आपकी ओर से ओनली वन टाइम ओके नहीं तो मैं कमेंट भी छोड़ दूंगा यहाँ से ओनली वन टाइम सीकली वार्निंग और ये गेंद इस बार देखना पड़ेगा ये कैच हो सकता है ₹500 दिए जाए आपकी ओर से
तो इस बीच 500 रुपये मिल चुका है संदीप भाई को। स्कोर है 41 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर टीम सत्यम डेली 11 का। खूबसूरत मैचेस चल रहे हैं। देखते जाइए आप मैच। अभी कोई मैच गया नहीं है दोनों टीमों के लिए, एक तरफा मैच भी नहीं है ये। और गेंद को छूटी गई और जब तक गेंद को फील किया जाए मनो ही मन वो एक रन पूरा किया गया। अब स्कोर जा पहुंचा है 43। पारी का पांचवा ओवर चल रहा है। अगर 70-75 के बीच स्कोर पहुंच जाएगा ना तब पता चलेगा कि क्या मैच की स्थिति है। खूबसूरत मैचेस चल रहे हैं। 43 रन पर एक संदीप देवा इस बीच गेंदबाजी के ऊपर कमेंट्री बॉक्स शॉट से आज खूबसूरत गेंदबाजी वहां पे। और जब तक गेंद को फील किया जाए शॉर्ट पॉइंट के फील्डर की ओर से तब तक एक रन बल्लेबाज के लिए। एक रनों के साथ स्कोर बीच आगे बढ़ता हुआ टीम सत्यम डेयरी 11 का 44 रन। पारी का पांचवा ओवर संदीप देवा अपने कोटे के पहले ओवर में इस ओवर में एक महत्वपूर्ण सफलता अर्जित कर चुके हैं टीम ओमकार डीजे 11 के लिए। और इस बार भी 10 मिनटों को खेला बल्लेबाज ने गेंद गई सीधी डीप पॉइंट बाउंड्री लाइन की ओर। जब तक गेंद को फील किया जाए तब तक एक रन। विकेट टू विकेट गेंदबाजी की जा रही है अनुभवी गेंदबाज की ओर से। स्कोर इस बीच रुका हुआ 45 रन। कम रन दिए गए अनुभवी गेंदबाज की ओर से टीम ओमकार डीजे की ओर से। ये फिर से कैच है, तो इस प्रकार ये दूसरा विकेट है, दूसरे 500 रुपये। हाँ ये दो विकेट के ऊपर 500 रुपये 1000 रुपये दिए जा रहे हैं। दो विकेट के ऊपर 500 रुपए दिए जा रहे हैं। खूबसूरत मैच है। देखा आपने पहली ओवर में कितने रन बनाएंगे, तो पहली ओवर में 26 रन बने। को भी कंट्रोल किया जा रहा है ओमकार डीजे 11 के कप्तान की ओर से। नवीन मास्टर इज द कैप्टन ऑफ ओमकार डीजे 11 अशोक भाई डॉक्टर। ओके एक ही बार बोला जाएगा नहीं दूसरी बार मैं घर चला जाऊंगा भाई, ये भी खास ध्यान से सुन ले आप।
એટલે સાજિદ ને બોલાવો એનો ઘેર ચાલો અને કહી દેવા. छेवर की समाप्ति पर स्कोर है 60 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर सत्यम डेयरी इलेवन का और संदीप देवन इस बीच गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है कमेंट्री बॉक्स ओर से और खूबसूरत गेंद वहां पे डॉट गेंद अनुभव का पूरा निचोड़ दिया जा रहा है। इसके पहले दो विकेट लिए गए थे संदीप देवा की ओर से टीम ओमकार डीजे 11 के लिए। कुल मिलाकर 11 गेंदों का खेल अभी भी शेष है पहले बल्लेबाजी करते हुए और इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट को खेला बल्लेबाजी और जब तक गेंद को फील किया जाए शॉर्ट गली के फील्डर की ओर से तब तक एक रन बल्लेबाज के लिए। इस प्रकार स्कोर जा पहुंचा है टीम सत्यम डेयरी 11 का 61। 10 गेंदों का खेल अभी भी शेष है पहला सेमीफाइनल मैच है दोनों टीमों के बीच। दोनों बलाढ्य टीमें मानी जाती है बहुत अच्छी टीमें हैं दोनों सत्यम डेयरी 11 और ओमकार डीजे 11।
इस बार कैच हो सकता है वहां पे, इस बार देखना पड़ेगा। ये निकल गई लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन के लिए। ब्यूटीफुल स्ट्रोक ओवर द डीप लॉन्ग ऑन 6 रन, 6 रनों के साथ स्कोर भी जाके बढ़ता है। टीम सत्यम डेली इलेवन का 67, पारी का ये सातवां ओवर चल रहा है। कम से कम रन के ऊपर रोकना है ओमकार डीजे इलेवन को। पिछली ओवर में 2 विकेट लिए गए लीजेंडरी गेंदबाज संदीप देवा की ओर से, और खूबसूरत एक आउट स्विंग गेंदबाजी। इस बार पीस से बीट किया गया वहां बल्लेबाज को। ये एबिलिटी को पुरवार किया जा रहा है गेंदबाज की ओर से। तकनीकी रूप से बहुत ही श्रेष्ठ गेंदबाज है। छक्का, उसके बाद में डॉट गेंद संदीप देवा की ओर से। स्कोर रुका हुआ 67। इधर आ गया कष्टों को खेला बल्लेबाज ने, और जब तक इनको फील किया जाए शॉट लेक किसान के ओवर स्कोर जा पहुंचा है 68। 68 रन पारी का ये सातवां ओवर चल रहा है 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। और इस बार हेलीकॉप्टर स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने, खूबसूरत फील्डिंग, और फील्डिंग देखिए बहुत ही लाजवाब फील्डिंग वहां पे। जब तक गेंद थ्रो दी जाए तब तक 2 रन बल्लेबाज के लिए। अच्छा तालमेल है दोनों बल्लेबाजों के बीच, दो रनों के साथ स्कोर भी आगे बढ़ता हुआ 70। ओवर की भी समाप्ति अंपायर्स की ओर से 7 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 70। एक ओवर अभी भी शेष है। टीम सत्यम डेयरी इलेवन के बीच का निर्णय, पहला सेमीफाइनल मैच है, उसके बाद का जो दूसरा सेमीफाइनल मैच है एसवाईबी खरवण इलेवन और किंग इलेवन करचेलिया के बीच खेला जाएगा। गेंदबाजी में इस बीच कमलेश खरवण को इस बीच शामिल किया जा रहा है कमेंट्री बॉक्स ओर से। दाहिने हाथ से ओवर दे विकेट दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए योगराज गेंदबाजी के ऊपर। इस बार आउट स्विंग गेंदबाजी वहां योगराज की ओर से। गति परिवर्तन, एक बहुत ही अनुभवी गेंदबाज है टीम की ओर से। इसे घरेलू क्रिकेट निहाली से खेलते हैं, फिर निहाली के भी टूर्नामेंट देखे आपने एमपीएल में। इस बार चार रन का इतनी सारा अंपायर्स की ओर से, और 4 रनों के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ टीम सत्यम डेयरी इलेवन का 74।